हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी के लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, आपको नहीं बता रहे हैं, और आपको क्या जानने की ज़रूरत है उनके बारे में अभी। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। व्हाट आर दे हाइडिंग नॉट टेलिंग यू, एंड आपको क्या जानने की ज़रूरत है उनके बारे में जो आपको पता होना ही चाहिए अभी। ठीक है, तो बेसिकली आपके पार्टनर के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस जनरल है रीडिंग, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो आपको कूल रहना है, नेक्स्ट रीडिंग का वेट करना है, या फिर किसी और चैनल पर जाकर आप रीडिंग देखिए आराम से। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपका मन करे आप आइए मेरे चैनल पर और रीडिंग देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या छुपा रहे हैं आपसे और नहीं बता रहे हैं आपको। अरे पहला ही कार्ड, अभी मैंने कार्ड्स को शफल नहीं किया है। ठीक है, अच्छे से तो मैं शफल कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। क्या छुपा रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, सेक्सुअल फ्रीडम। लाइफ पर्पस। एंड यहां पर डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड आया है। इंटीमेसी, शिवाजी, एंड कनेक्शन। बॉटम डायरेक्ट से वर्थीनेस का कार्ड है। देखो, नो डाउट कि ये पर्सन आपको एक डिवाइन फेमिनिन मानते हैं, आपको एक बहुत ही एक प्योर सोल मानते हैं। नो डाउट, नो डाउट गाइस, आपको बहुत अच्छा भी मानते हैं। ठीक है, एज़ वेल एज आपको बहुत सेक्सी, हॉट। ठीक है, मतलब आप इनके लिए ऑल इन वन हैं। ठीक है, आपका आपका बॉडी शेप बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और डेफिनेटली दिखने में भी बहुत अडोरेबल हैं आप। तो एडमायर तो करते हैं ये पर्सन आपको, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये पर्सन आपको। ऐसा देखते हैं एज अ डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, जो इनको, जो इनकी सोल के साथ कनेक्ट हो सकती है। इसको पता है कि अगर आपके साथ ये इंटीमेट हुए तो वो एक अलग ही तरीके की वाइब्रेशन होगी, अलग ही तरीके का लेवल होगा। ठीक है, इस पर्सन को आपके साथ एक बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन भी फील होता है, नो डाउट। ये पर्सन सिर्फ आपसे ही प्यार नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्यूटी से ही प्यार नहीं करते। ठीक है, आपकी अपीयरेंस से ही प्यार नहीं करते, ये पर्सन आपकी सोल से प्यार करते हैं। मैंने यहाँ पर कार्ड्स देखे, देखिए यहाँ पर भी नेकेड पर्सन है, यहाँ पर भी नेकेड पर्सन है। ठीक है, और किस तरीके से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, एक दूसरे की सोल में खोए हुए हैं। देखो यहाँ पर भी कितना एक दूसरे की कंपनी को फील कर रहे हैं, एक दूसरे के टच को फील कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर समाए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक डिवाइन लव दिख रहा है मुझे, एक डिवाइन कनेक्शन मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। देखो यहाँ पर कैंडल्स हैं, यहाँ पर टू बर्ड्स हैं, टू बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की वाइब मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को जैसे आप हैं वैसे ही आप पसंद करते हैं। आपको नहीं चाहिए कि आपके पार्टनर में कोई चेंज आए, और ना ही आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप में कोई चेंज आए। लेकिन यस, आप दोनों का लाइफ पर्पस एक साथ है, तो आप दोनों को डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप दोनों किसी पर्पस से हैं, अपना पर्पस फाइंड कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। आपके साथ जब बात करते हैं खो जाते हैं ये पर्सन आप में, और आप इस पर्सन में खो जाते हैं। तो गाइज़ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। इवन ये पर्सन एक मूव लेने वाले हैं, एक एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं ये पर्सन, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि ये पर्सन आपको बता ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट। ये आपकी सोल से प्यार करते हैं, आपसे ही नहीं, आपकी सोल से प्यार करते हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप दोनों के कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत जल्दी शायद इस पर्सन को पता चल जाएगा। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट, और इस पर्सन ने आपको कभी नहीं बताई ये बात। टैरोट से देखते हैं गाइस क्या आता है। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। देखो मैंने कहा था ना, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, एंड चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से एक्शन का भी कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है ये पर्सन सच में एक्शन ले, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन स्टक है। ये पर्सन स्टक क्यों है? ये पर्सन आप पर स्टक है, इस कनेक्शन पे स्टक है, सोल कनेक्शन है, तो कहाँ जाएंगे ये पर्सन? घूम फिर कर आप में ही स्टक होंगे, आपके पास ही आएंगे, ठीक है। अब बात है कि स्टक तो है ये पर्सन आप पर, ठीक है, ठीक है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर ले मूव ऑन तो नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी चाह लें। देखो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर थ्री कप्स देख रही हूँ जो कि गिरे हुए हैं, और पीछे ये टू कप्स हैं जो कि सेम यही कप्स हैं ये, ठीक है, ये टू कप्स यही हैं जो आप शेयर कर रहे हो। तो ये चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पर्सन हैं भी, तो भी मैं ये बता रही हूँ ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि एक सोल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ है इस पर्सन का, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एक दूसरे को, और या फिर ये हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा गॉड डिले है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो इस वजह से अभी आप लोगों को डिले फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत हार्ड वर्किंग मानते हैं, आपको बहुत एक यूनिक पर्सन मानते हैं। हो सकता है कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी अगर हो रखी है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक है, इस वजह से भी ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं। आप कुछ ना कुछ बहुत यूनिक काम करते हैं, आप अपनी खुद की एक पहचान है, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने करियर पर काफ़ी फोकस्ड है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको एडमायर भी करते हैं। आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बनना है, आपको अपनी वर्थ, सेल्फ वर्थ के बारे में पता है क्या है, आपको क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप पर डेफिनेटली ये पर्सन स्टक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस भी मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में, या फिर आपकी कास्ट अलग हो सकती है। हो सकता है कि पर्सन दूसरी सिटी या फिर दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ कास्ट का भी इशू है। तो ये पर्सन देखो आपको एडमायर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको वन एंड ओनली मानते हैं, लेकिन शायद कल्चर अलग होने से या कास्ट अलग होने से या कुछ फैमिली की वजह से शायद ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन डोंट वरी,
कब तक नहीं करेंगे, कब तक अपने रियल कनेक्शन से भागेंगे ये पर्सन, एक ना एक दिन ये वापस आएंगे, क्योंकि ये स्टक हैं आप पर, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। भले ही थर्ड पार्टी दूसरे लोगों को चांस दे रहे हैं कि उनके साथ इनकी केमिस्ट्री बैठ जाएगी, लेकिन नहीं बैठेगी गाइस। जो चीज़ें होनी है तो वो तो होनी है ना। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको अपनी लाइफ में अच्छा करना है, बेटर करना है। इस पर्सन को जब भी आना होगा, ये पर्सन खुद आ जाएगा आपकी लाइफ में। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। मैं इतने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो होना होता है वो होता ही है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिवाइन के हाथों में है। बस हमें अपना बेस्ट करना है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, रो रो कर उसे गंवाना नहीं है, इतना तो सीखना पड़ेगा आपको। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में आपको जानने की ज़रूरत क्या है। फिलहाल अभी ये छुपा रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये छुपा रहे हैं कि ये फैमिली मैटर की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें आपसे छुपाई हुई है, और ये भी छुपा रहे हैं कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपको आपके साथ जब भी होते हैं तो खो जाते हैं। ये रियल लव है, लेकिन ये छुपा रहे हैं। और क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को अभी खुद पर भी ट्रस्ट नहीं है कि ये इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा या करेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से ये पर्सन श्योर नहीं हो रहे हैं, ये छुपा रहे हैं ये पर्सन। चलिए अभी जानते हैं कि आपको और क्या जानने की ज़रूरत है इस पर्सन के बारे में। हार्ट एक एंड लॉस नंबर 3। फ्रेम फाउंडेशन नंबर 4। हो सकता है बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन ये अपना कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ फाउंडेशन क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बिजनेस या कुछ नया सॉलिड करने के बारे में सोच रहे हैं। वाओ, हार्मनी। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, सुपर सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट। अगेन देखें यहाँ पर किस तरीके से हाथ मिले हुए हैं, कैसे आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। जब भी आप लोग साथ में होते हो तो आप खो जाते हो एक दूसरे में, यही तो है सोल कनेक्शन। और देखते हैं गाइस और क्या जानने की ज़रूरत है आपको। मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो हो सकता है ये पर्सन आगे चलकर मूवमेंट, कुछ ना कुछ एक्शन ले, डिसीजन ले। पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, हो सकता है मैसेज कर दें आने वाले टाइम में आपको। तो अवेयर हो जाइए, ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसको बहुत हार्ट एक एंड लॉस फील होने वाला है। देन ये आप सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही इसको ये हारमोनी फील होगी, क्योंकि ये आगे चलकर हो सकता है इसको काफ़ी हार्ट एक एंड लॉस हो जाए, और इसको हारमोनी सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी, आपके पास। ये आपके पास आएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी इनको आपके पास वापस लेकर आएगी। जिस तरीके से ये सैड होंगे अपनी लाइफ में, इनको दुख दर्द तकलीफ़ें मिलेगी दूसरों से, तो इनको अपना कौन याद आएगा, आप। और आप इनकी डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो इसी वजह से ये पर्सन जब जब लॉस फील करेंगे, हार्ट एक फील करेंगे, ये पर्सन को इस पर्सन को आपकी याद आएगी, ये आपके पास आएंगे। और दूसरों से धोखा मिलने पर ये एक डिसीजन भी ले पाएंगे, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। एक कार्ड और लूंगी गाइज मैं। चलिए ये कार्ड आ गया, वाओ, बैलेंस नंबर 11। अगेन नंबर 11, और बॉटम ऑफ द डेक से देखिए फोर ऑफ वैंड्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है। ये फोर ऑफ वैंड्स कार्ड होता है, इट मीन्स मैरिज, यूनियन, हैप्पीनेस। फिलहाल तो देखो बैलेंस का कार्ड आया है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, इस पर्सन को भी बैलेंस में आने की ज़रूरत है। इस पर्सन को इसके हार्डशिप, इसका स्ट्रगल ही इसको बैलेंस कर पाएगा। जब ये स्ट्रगल देखेंगे अपनी लाइफ में, तभी ये डिसीजन ले पाएंगे, और तभी इनको रियलाइज़ होगा कि इनका कौन है, इनका कौन नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो आप दोनों को ही बैलेंस में चलने की ज़रूरत है, बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। बैलेंस बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन को आप अच्छे से फेस कर पाओगे, डील कर पाओगे, इतना आप कीजिए। चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस पता कर लेती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मैं हमेशा पता करती हूँ हर एक रीडिंग में।
ओके इंडिसीजन नंबर 8 एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देखो हो सकता है कि आप अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या रास्ता चुनूं अपने लिए। तो गॉड ने क्लियर बता दिया वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो आपको इस टाइम अपने पेंटिकल्स पर, अपने बिजनेस पर, अपनी स्टडी पर, अपने एकेडमिक्स पर, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप ये डिसीज़न लें और इसमें आगे बढ़ें, अपने लिए कुछ क्रिएट करें, दूसरों की हेल्प करें, और तभी तो करेंगे ना जब कुछ बन जाएंगे। तो ये चीज़ आप डिसाइड करें अपने लिए और इसमें आप आगे बढ़ें, क्योंकि अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, आप अपने पार्टनर को याद कर कर रोते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ख़ुद को हील करने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, चलिए एडवाइस देखते हैं। क्या एडवाइस देंगे गॉड आपको, एंजल आपको क्या कहेंगे, लेट्स सी। कंक्लूजन आर विद इन द रीच, डेफिनेटली कंक्लूजन बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी विद इन द रीच। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, आपको बहुत जल्दी कंक्लूजन मिलेगा। आप अपना अपने लिए एक डायरेक्शन चूज करें, उस पर काम करें, और आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एंड टू कार्ड्स, वाओ थ्री कार्ड्स आए हैं आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, डेफिनेटली नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। कॉन्फिडेंट इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट हो जाइए कि यस ये चीज़ हो जाएगी, और एक्सपेक्ट कीजिए कि एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है, इतना आप कीजिए, डेफिनेटली आपके पर्सन जो भी आपसे छुपा रहे, नहीं बता रहे, वो सब बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि आपके साथ सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, तो जो भी सोलमेट और डिवाइन कनेक्शन में है, डेफिनेटली अपना अपना काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, और डेफिनेटली जब आप दोनों सेम पेज पर होगे, डेफिनेटली आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।